3 साल के बच्चे के साथ उसे बहला फुसलाकर पहले कुकर्म और फिर निर्मम हत्या आरोपी राजेश उर्फ जितेंद्र को एडीजे फर्स्ट रमा पांडे ने पॉक्सो कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने इस घटना को रेयर और रेयरेस्ट बताया है। पॉक्सो के तहत आरोपी को फांसी की सजा के साथ ही 1,25,000 का जुर्माना भी लगाया है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 12 मई 2016 को ये जघन्य अपराध हुआ था। 3 दिन पहले कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद पॉक्सो में धारा 302, 377 व 364 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी राजेश को फांसी की सजा और जुर्माना हुआ है। जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि 12 मई 2016 को देहरादून की नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें आरोपी ने 3 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अधिवक्ता ने बताया कि आज पॉक्सो में रमा पांडे की अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर लगे जुर्माने की कुछ राशि बच्चे के परिजनों को दी जाएगी। देखिए, मैं 12/5/2016 को इस जिले में नेहरू कॉलोनी थाने के अंतर्गत एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें एक 3 साल के अबोध बच्चे के साथ जो अभियुक्त है राजेश उर्फ जितेंद्र, उसने जो है उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबा करके, गला घोट करके उसकी हत्या कर दी थी। ये मामला था और इस मामले में लगभग 3 महीने बाद इसकी चार्जशीट आई थी और 2 महीने बाद इसमें चार्ज फ्रेम हुआ था और आज आपके सामने माननीय न्यायालय ने इस कोर्ट में हमारे जो इस कोर्ट की जो स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट श्रीमती रमा पांडे के द्वारा आज उस अभियुक्त को जितेंद्र उर्फ राजेश को धारा 302 आईपीसी के अंदर जो मैक्सिमम सजा है फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस है, उसको सजा दी गई है डेथ सेंटेंस की, और उसके साथ उसको 50,000 रुपये का जुर्माना उस पर आरोपित किया गया है और उस जुर्माने में से उस पर 75,000 का जुर्माना है। 75,000 में से 25,000 रुपये स्टेट को और 50,000 रुपये पीड़ित परिवार को एज कंपेंसेशन उसमें से दिया जाएगा। जो 6 पॉक्सो एक्ट है, जो दुष्कर्म उसके साथ किया गया है, उसमें अभियुक्त राजेश उर्फ जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना उसमें भी आरोपित किया है। उस राशि में से भी 25,000 रुपये की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। और तीसरा, जो जिले में पीड़ित कंपेंसेशन जो फंड है, अपराध पीड़ित फंड जो है, उसमें से जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया गया है कि 50,000 रुपया जो पीड़ित जो डिसीज्ड है, जो मृतक है, उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाए, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो बहुत गरीब हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। इस पीड़ित परिवार जो है ये लखीमपुर खीरी का निवासी है ये परिवार। इनके 2 बच्चे थे, 1 7 साल का, 1 3 साल का। तो इस 3 साल के बच्चे के साथ घटना हुई थी और जो 7 साल का बच्चा था उसने इसको साथ जाते देखा था। लगभग जब कुछ देर बाद नहीं आया तो इसने अपने माँ बाप को बताया कि, और उस जो अभियुक्त था वो भी इसी के पिताजी माँ बाप के साथ, उसी ठेकेदार के साथ जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे नवादा में, उनके साथ काम करते थे। ये अभियुक्त शराब का आदि था, इसीलिए इसको घटना से 1-2 दिन पहले ठेकेदार ने भी इसको निकाल दिया था और वो साइट पर वो आता रहता था, क्योंकि उसकी जान पहचान दोस्ती थी, इसलिए बच्चों ने भी उस पर भरोसा कर दिया और वो बच्चे की उंगली पकड़ के झाड़ी में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। इस अभियुक्त ने ही ये मौके पर पकड़ा गया, ये झाड़ी से निकल रहा था, जब सूचना दी तो झाड़ी से ये निकल रहा था, झाड़ी में देखा तो इसका बेटा जो है वहाँ, ये जो ठेकेदार, जो शहजाद ठेकेदार था, वो ये जो मृतक है उसके माँ बाप गए, उन्होंने झाड़ी से उसको पकड़ लिया वहीं, और देखा तो झाड़ी में मृतक जो है वहाँ पर उसकी मृतक पड़ा हुआ है, उसकी नेकर निकली हुई थी, और इसको अरेस्ट किया। जनता ने इसको मारा भी मौके पर, बाद में तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आकर के इसकी जान बचाई। और अगले दिन जो है इसने अपने पुलिस कस्टडी में, इसने जो है घटनास्थल से वो नेकर जो इसने बच्चे का उतारा था और एक गमछा जिसको ये ओढ़ के रखता था, जिससे इसने गला घोटा था उसका, उस गमछे की और अंडरवियर की इसने बरामदगी इससे हुई। उसको FSL भेजा गया, बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ दुष्कर्म होने की डॉक्टर ने पुष्टि की और उसका अनल स्वाब लेकर के इसको FSL भेजा गया। अक्यूज का ब्लड टेस्ट किया गया, वो भी
एफएसएल भेजा, एफएसएल से इसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव मिली है, डीएनए मैच किया है, तो साइंटिफिक एविडेंस भी इसके खिलाफ थी। आई विटनेस जो बड़ा भाई था मृतक का, उसने इसको जाते हुए देखा था, फिर मौके पर आते हुए भी तीन लोगों ने इसको स्पॉट पर देखा था, स्पॉट पर इसकी अरेस्टिंग थी, तो ये डायरेक्ट एविडेंस का केस था। तो मेरा कहना ये, मेरी सबमिशन ये थी कोर्ट से कि जो पहले परवान सिंह को जो फांसी हुई थी और जो अजहर मोहम्मद को जो फांसी हुई थी, वो फांसी तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर वो फांसियाँ हुई थी, लेकिन ये फांसी जो है डायरेक्ट एविडेंस के आधार पर हुई है और उन पहले वाले केसों से ये मजबूत केस है। तो कोर्ट ने मेरी बात मानी है, फिर मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी किसको दी जाएगी कुछ गाइडलाइन तय की हैं, उस गाइडलाइन में जो अबोध बच्चा है, जो वृद्ध है, असहाय महिला है, जो कोई रिपोर्टेड आदमी है, जो समाज में प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों की हत्या में जो है इनको गाइडलाइन जो है ये हैं। इन गाइडलाइन में भी सबसे बड़ी गाइडलाइन जो है ये जो अबोध बच्चे जो इनोसेंट हैं, जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने प्रोवोकेशन नहीं दिया है, ऐसे लोगों को जो है इनको किसी भी कीमत पर न छोड़ा जाए, और इसके लिए कोर्ट बाध्य भी है। एक जजमेंट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो ऐसी घटना होती है ये तो बच्चे के पवित्र शरीर पर आघात तो है ही, साथ में समाज की आत्मा पर भी जो है आघात पहुंचता है, इसलिए अगर कोई जज अपने पर्सनल उस पर सजा न देना चाहिए तो वो उसको उससे बचना चाहिए, मतलब उसमें मैक्सिमम सजा जो है वो उसको देनी ही होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो है, तो मैंने इन जजमेंट्स का हवाला दे करके कोर्ट ने हमारी बात मानी और इस अभियुक्त को जो है जो समाज की जो परसेप्शन था कि ऐसे ये घृणित अपराध और ये जघन्य अपराध करने वाले को अपने लस्ट को सेटिस्फाई करके और उसके बाद उसकी हत्या करने के ऐसे अबोध बालक के लिए उसको फांसी की सजा से कम नहीं हो सकती है, तो कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी और ये इसी कोर्ट से के द्वारा ये तीसरी फांसी की सजा जो है। और हमें बड़ा कष्ट हो रहा है इस मामले में कि ऐसे अबोध बच्चों के साथ इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है।